नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, 1/2 × e^2x + 3 × e^r x + 1, और इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1/2 log(mod)of, ये ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में कह रहा हूँ, log(mod)of e^-2x + 3 × e^x + 2, और प्लस, यहाँ पे आगे जगह नहीं तो मैंने नीचे लिखा है, +3/2 log(mod)of e^-x + 1/e^x + 2, और प्लस सी, ओके, e^x है यहाँ, ठीक है। तो ऐसा आंसर आ रहा है, आप देखिए खुद से ट्राई करिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हिंट मैं ये दे रहा हूँ, देखो कि क्वेश्चन ही आपको ये हिंट दे रहा है कि नीचे देखो e की पावर में ये क्वाड्रेटिक है, चेक करो, e की पावर क्या है, 2x है भाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/2 × e^x² चेक करो, e^2x, e^x² क्योंकि 2 × x 2x हो जाएगा, और +3 × e^x + 1, तो चेक करो, जैसे एक्स स्क्वायर आता था फिर एक्स आता था, वैसे ही e^x² आया फिर e^x आया, तो ये e^x में क्वाड्रेटिक तो है, यानी कि कहीं ना कहीं ये इस टाइप का या किसी और टाइप का, मतलब जो हम इससे पहले पढ़ चुके थे 1/ क्वाड्रेटिक वाला, ऐसा टाइप का कुछ बनना चाहता है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है करें क्या, ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चे कह रहे हैं कि सर एक काम करिए, देखो एक काम करिए सर, e^x को t पुट कर दीजिए, ठीक, तो मैंने कहा भाई ठीक है कर दें, तो e^x dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा सर, डेरिवेटिव करके बहुत सारे x के रिस्पेक्ट में, बट e^x ऊपर है नहीं, चेक करो, e^x ऊपर होना चाहिए था, फिर बच्चों ने क्या बोला, कहा कि सर एक काम करो, जब e^x नहीं है तो e^x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो और e^x से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा भाई ठीक है करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक, तो ऐसा हो गया, ठीक, यहाँ से बात ये बनेगी क्या कि देखो बच्चों e^x dx तो आपका dt हो जाएगा, ठीक है, और नीचे भी बात थोड़ी बहुत बन जाएगी, e^x जो बाहर है वो t हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 × e^2x क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर, 2t² + 3 × t + 1, देखो प्रॉब्लम ये हो गई, क्या हो गई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये हो गई बच्चों कि ये तो क्वाड्रेटिक है, नीचे t से मल्टीप्लाई हो गई प्रॉब्लम, हो गई प्रॉब्लम, ठीक है ना, कभी भी हमने ये थोड़ा ना पढ़ा है कि नीचे क्वाड्रेटिक है तो आगे x से मल्टीप्लाई है, नीचे t में क्वाड्रेटिक है लेकिन t से मल्टीप्लाई हो गया, प्रॉब्लम हो गई, यानी कि e^x से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी नहीं बना पाओगे, अब कह रहे सर, बच्चे कह रहे सर एक काम करिए, e^x से ना डिवाइड कर दीजिए, किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, हमने कहा ठीक है करते हैं, तो न्यूमरेटर क्या आपका 1, तो 1 में हमने e^x से डिवाइड लगाया, और डिनोमिनेटर क्या आपका 2 × e^2x और +3 × e^x + 1, और यहाँ भी हमने e^x से डिवाइड लगाया, डिवाइडिंग बाय e^x इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर क्या 1, 1 में भी e^x से डिवाइड और नीचे इस पूरे में भी e^x से डिवाइड, तो ये कुछ आपका भी बनेगा 1/e^x क्या हो जाएगा e^-6 अपॉन में ये e^x को स्प्लिट कर लो तीन पार्ट्स में, तो ये e^x e^2x / e^x और +3 e^x / e^x और +1/e^x, देखते हैं कुछ बात बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि देखिए e^x वाले क्वेश्चन में या तो आप e^something मतलब e^x या 2x से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो मल्टीप्लाई करते हो या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हो, तो वही मैं चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसे काम बनता है मेरा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या e^-x अपॉन में आ गया आपके पास क्या, देखो 2 × e^2x / e^x क्या हो जाएगा e^x, कैसे नहीं समझ में आ रहा, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, तो e^2x - x e^x हो जाएगा, ठीक है, +3 और +1/e^x e^x ऊपर जाएगा तो e^-x हो जाएगा, ऐसा हो गया, ठीक है, अब यहाँ से भी बात बनी नहीं, ठीक है बच्चों, क्यों नहीं बनी, क्योंकि ध्यान से चेक करो, नीचे e^x का क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म ही डिस्टर्ब हो गया, कहीं पे भी e^2x आ नहीं रहा, चेक करो, ये तो e^-x है, e^x है, या तो e^2x आ जाता नीचे कहीं, और या तो e^-2x आ जाता, तो क्वाड्रेटिक होता, नहीं बन रही बात, अब क्या करें, अब कोशिश करते करते आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप e^2x से बच्चों न्यूमरेटर में भी डिवाइड करें और e^2x से अगर आप डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करें तो शायद आपकी बात बनती हुई नजर आए, देखिए i इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय e^x इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, तो 1/e^2x न्यूमरेटर में डिवाइड किया e^2x से, और ये पूरा डिनोमिनेटर है इसमें भी हमने e^2x से डिवाइड किया, ठीक है, तो जब नीचे e^2x से डिवाइड करोगे तो ये e^2x इसको मिलेगा, स्प्लिट कर दोगे ना तीन पार्ट में, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, ठीक, अब शायद आपकी बात बन जाए, कोशिश करते हैं,
वन अपॉन ई की पावर टू एक्स, ई की पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा भाई, ई की पावर टू एक्स ऊपर जाएगा, ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन में देखो ई की पावर टू एक्स, ई की पावर टू एक्स, ई की पावर जीरो यानी कि वन आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ गया टू और प्लस। अब देखो ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर टू एक्स, ये हो जाएगा थ्री इंटू ई की पावर बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट एक्स माइनस टू एक्स, क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा ये, और प्लस वन अपॉन ई की पावर टू एक्स ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा। शायद स्टूडेंट्स आपकी बात बन जाए, शायद शायद कैसे, इसको पहले आप एक काम, पहले क्या सही था, देखो e की पावर में यहाँ पे क्वाड्रेटिक मतलब e की पावर माइनस टू एक्स टाइप का आ रहा है, फिर e की पावर माइनस एक्स आ रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें, देखिए i इज इक्वल्स टू, देखो e की पावर माइनस टू एक्स को क्या लिख सकते हो, e की पावर माइनस टू एक्स को सभी बच्चे e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया, सुनो e की पावर माइनस टू एक्स को आप लोग e की पावर एक्स सॉरी e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है कि e पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब e की पावर माइनस एक्स को e की पावर माइनस एक्स से ही तो मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, माइनस एक्स में माइनस एक्स ऐड करोगे तो माइनस टू एक्स ही तो आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया e की पावर माइनस टू एक्स को e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स लिख लिया, और अपॉन में ध्यान दें स्टूडेंट्स इसको हमने पहले लिखा, तो e की पावर माइनस टू एक्स को हमने पहले लिखा और प्लस हमने लिखा 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स और प्लस 2, करेक्ट। अब एक काम करते हैं ई की पावर माइनस एक्स को टी पुट कर लीजिए, शायद आपकी बात बन जाए, ठीक है। तो ई की पावर माइनस एक्स को अगर हम लोग टी पुट कर लें, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर आ जाएगा, तो माइनस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस डी टी, करेक्ट। तो देखिए ये आपको मिल गया यहाँ डी एक्स में, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बच्चों आपको मिल गया, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू अब आपके पास हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें बच्चों ये वाला जो ई की पावर माइनस एक्स है ये वाला, इसकी जगह आप टी रख सकते हो, तो इसकी जगह हमने टी रखा, और ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इस पूरे पोर्शन की जगह हमने क्या रखा, माइनस डी टी, माइनस आ जाएगा बाहर और डी टी हो गया यहाँ, और अपॉन में e की पावर माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, e की पावर माइनस एक्स टी था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर करो इधर भी स्क्वायर करो, ठीक। तो ये 2 इंटू माइनस एक्स e की पावर माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर, करेक्ट। तो e की पावर माइनस टू एक्स की जगह आप टी का स्क्वायर लिख सकते हो, और प्लस 3 इंटू e की पावर माइनस एक्स यानी कि 3 इंटू e की पावर माइनस एक्स की जगह टी रखोगे और प्लस में 2 आ गया, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए ये डी टी को थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख लो, ठीक। अब ध्यान चेक करो ऊपर टी में लीनियर, अरे भाई टी है तो वो भी तो लीनियर पॉलीनोमियल है, टी में ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, बात बन जाएगी आपकी, ठीक है, बात आपकी बन जाएगी, है ना। अगर हम इसको कितना पुट कर दें, अगर हम इसको टी पुट कर दें हमारी बात बन जाएगी क्या, टी स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 2 को अगर हम कितना पुट कर दें m, तो 2 नहीं, बात नहीं बनेगी, तो हमको यही वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ठीक है। पहले इतना सभी बच्चे ध्यान से चेक कर लें, और ध्यान रहे आप लोगों को कि हमने क्या पुट किया इस क्वेश्चन में, जरूरत पड़ने पर हम ऐसा करेंगे, e की पावर माइनस एक्स की जगह हमने टी रखा है, ठीक है। तो जब टी में आंसर आएगा तो हम टी की जगह जहाँ जहाँ टी होगा हम e की पावर माइनस एक्स पुट करेंगे, ओके। तो इतना आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, अब मैं इसको सब हटा रहा हूं, अब जाके क्वेश्चन सुधर चुका है तो अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था इसको हमने आई माना है, तो आई का फॉर्म ऐसा चेंज हो गया है, अब हम इंटीग्रल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ऊपर ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक, टी, इसको हम क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स डी बाय लैम्डा टाइम्स डी बाय डी टी ऑफ दिस, यानी कि टी स्क्वायर और प्लस 3t प्लस 2 और प्लस म्यू, करेक्ट। सॉल्व करते हैं तो टी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स और यहाँ ब्रैकेट में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और प्लस 3t का 3 और प्लस म्यू, ठीक है। तो टी को आप टी प्लस जीरो भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू टू इंटू लेमडा टी, टू लेमडा टी और प्लस थ्री इंटू लेमडा थ्री लेमडा और प्लस म्यू, और ध्यान रहो टी का कोफिशियंट टू टी, टी का कोफिशियंट यहाँ टू लेमडा है, तो टू लेमडा इज इक्वल्स टू टी का कोफिशियंट यहाँ वन है, ठीक, डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड करोगे लेमडा कितना आ जाएगा हाफ, तो लेमडा यहाँ से आ गया 1/2, ओके। अब ये कॉन्स्टेंट है यहाँ क्या, 3 लेमडा प्लस म्यू, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या है, जीरो, तो कंपेयर करेंगे कॉन्स्टेंट को, 3 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू जीरो, लेमडा कितना है आपका 1/2, तो 3 इंटू 1/2 3/2 और प्लस म्यू इज इक्वल्स टू जीरो, तो 3/2 राइट में जाएगा तो म्यू कितना आ जाएगा माइनस 3/2, तो म्यू आ गया
कितना माइनस थ्री बाय टू। देख लें सभी बच्चे, देख लें, देख लिया। अब ये होती है इक्वेशन नंबर वन ये वाली। अब इसमें ले जाके हम लैम्डा म्यू रख देते हैं, लैम्डा कितना है 1/2, तो इस लैम्डा की जगह हम लोग 1/2 पुट करेंगे और म्यू की जगह हम लोग माइनस 3/2 पुट करेंगे, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ रखा हमने माइनस 3/2, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा। आई इज इक्वल्स टू, ध्यान रहे ये बाहर तो माइनस है ही, इसको आप रहने दो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, अब टी की जगह, टी की जगह आप क्या रख सकते हो, 1/2 2t और प्लस 3, ओके, और माइनस 3/2, माइनस 3/2 और होल डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स होल डिवाइडेड बाय ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल t में जो बनाया हमने, टी स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 2dt। अब एक चीज का ध्यान रहे, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है बाहर, तो i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे बच्चों, ये माइनस जब अंदर जाएगा, मतलब आप बात समझो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, स्प्लिट कर दो इसको दो पार्ट्स में, तो क्या हो जाएगा 1/2 2t और प्लस 3 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 2, फिर माइनस 3/2, जिसको आप 3/2 × 1 भी लिख सकते हो, अपॉन में टी स्क्वायर और प्लस 3t प्लस 2, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज और dt। अब यहाँ थोड़ी गलती होती तो आपको सावधानी से करना है, करना क्या है ध्यान चेक करो, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस हाफ को आप बाहर रख लीजिए, तो माइनस हाफ को बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 2t और प्लस 3 अपॉन में क्या टी स्क्वायर और प्लस 3t और प्लस 2 और साथ में क्या आ गया dt। अब ध्यान दें, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और आपके पास बचेगा 1/ 1/t² और प्लस 3t प्लस 2 dt, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है पूरा, मतलब ये जो इंटीग्रल है इसको हमने i1 अज्यूम कर लिया, और प्लस 3/2 और ये जो पूरा इंटीग्रल है इसको हमने i2 अज्यूम करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, ठीक है। इतना सभी बच्चे कॉपी करें, कर लीजिए, कर लिया, चलो अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग हम I1 को अलग से कैलकुलेट करेंगे और I2 को अलग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, करते हैं। तो I1 कितना है, ये पूरा इंटीग्रेशन, ओके, I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 2t और प्लस 3 अपॉन में टी स्क्वायर और प्लस 3t और प्लस 2 dt। यहाँ पर टी स्क्वायर और प्लस 3t और प्लस 2 को अगर आप लोग u अज्यूम कर लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 3t का 3, ओके, और u का होगा du/dt, dt इधर आ जाएगा, ऐसा हो गया, यानी कि 2t प्लस 3 dt की जगह आप लोग क्या रख सकते हैं du, तो इसकी जगह हम लोगों ने du रख लिया और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को u, तो 1/u du, इसका इंटीग्रेशन 1/u का क्या होगा log ऑफ mod ऑफ u और साथ में आएगा प्लस c1, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ u, u की जगह हम लोग क्या रखेंगे बच्चों टी स्क्वायर और प्लस 3t और प्लस 2 और प्लस c1, ठीक है। आगे आप लोग खुद से ट्राई करिए, थोड़ा सा मैं मार्कर में इंक डाल देता हूँ, ओके, चल नहीं रहा है ये, चलिए आगे देखिए। अब क्या करते हैं, अब टी की वैल्यू भी रख देते हैं, ठीक है, तो I1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ टी का स्क्वायर है, टी कितना था e^x, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो e^-x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू t² 2 × -x e^-2x इज इक्वल्स टू t², तो t² क्या e^-2x, तो e^-2x और प्लस 3 × t, यानी कि 3 × e^-x और प्लस 2 और प्लस c1, ऐसा आ गया आपके पास, ठीक है बच्चों। अब हम I2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, खुद से करके देखिए, अब तो बन जाना चाहिए, आंसर भी लिख देता हूँ इसीलिए मैं, तो देखिए I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ये पूरा I2 है ना, तो 1/ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस 3t और प्लस 2
डी टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस, देखो टी का कोफिशियंट 3 है, 3 का हाफ करो 3 बाई टू, तो 3 बाय टू का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3 बाय टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस में 2 फिर डी टी, करेक्ट। ऐसा हो गया। फर्दर्स को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू, नॉट आई, आई टू इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, टी प्लस 3 बाय टू का होल स्क्वायर बन गया ये। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस 3 बाय टू का स्क्वायर और प्लस 2, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, ओके ये 1, तो ये जगह माइनस 9 और प्लस 4 टू जै 8 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 4, तो यहाँ आ गया माइनस 1 बाय 4, ठीक। अब 1 अपॉन 4 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 बाय 2 का स्क्वायर, सही है, ऐसा आ गया। ओके अब मैं उधर करता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में ये आई वन को आप लोगों ने आई थिंक कॉपी कर लिया होगा, ठीक है मैं सारा हटा दे रहा हूँ। तो I2 इज इक्वल्स टू, अब देखो हो क्या जाएगा, एक काम करते हैं यहाँ सब्सटीट्यूशन करते हैं, T प्लस 3 बाई टू को M अज्यूम कर लेते हैं, U तो हम पहले ही अज्यूम कर चुके हैं ना, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू T, T का हो जाएगा 1, 3 बाई टू का 0, M का dm बाय dt, dt इधर आ जाएगा dt इंटू 1 dt, dt इज इक्वल्स टू dm, तो I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, देखो T प्लस 3 बाय टू की जगह M रखोगे, यहाँ पर क्या है, टी प्लस 3 बाय टू का स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, और डी टी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, डी एम रखेंगे, तो आई टू इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का इंटीग्रल है, तो 1 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 ए इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए यानी कि एम माइनस ए, ए की जगह हाफ अपॉन एम प्लस ए और प्लस सी टू, ओके ये आ गया, 2 से 2 गया, लॉग के आगे 1 आएगा उसको हम लोग लिखेंगे नहीं, तो I2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ m, m क्या था आपका t प्लस 3 बाय 2, तो t प्लस 3 बाय 2 और माइनस 1 बाय 2 अपॉन में m की जगह t प्लस 3 बाय 2 और प्लस 1 बाय 2, ओके और साथ में क्या है प्लस c2 है, सही है। अब मैं इधर सॉल्व करता हूँ, तो थोड़े से लेंदी होते हैं बट ये प्रैक्टिस करोगे ना, ये तो बताने में इतना टाइम लग रहा है, करने में तो 2 मिनट में फटाफट हो जाएगा, आप अपनी कॉपी पे खुद से ट्राई करो, फटाफट हो जाएगा, ठीक है 2 मिनट लगते हैं मुश्किल से, 1.5 मिनट 1 मिनट फटाफट करना होता है, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी और प्लस, देखो 3/2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2 1.5 होता है, 1/2 0.5 होता है, 1.5 माइनस 1 1 होता है, ठीक है तो 1 आ जाएगा अपॉन में 3/2 प्लस 1/2 2 होता है, तो टी प्लस 2, ठीक और प्लस सी 2, अब t की वैल्यू रख दीजिए, t क्या था e की पार माइनस x, तो ये जगह लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की जगह e की पार माइनस x और प्लस 1 अपॉन e की पार माइनस x और प्लस 2 और प्लस c2। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ i1 एंड i2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो i इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो माइनस हाफ इंटू आई वन, आई वन को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, ये रहा हमारा i1, अब आप समझ जाओ, चलो यार रख के दिखा देता हूँ, ठीक है लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई बार माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ई बार माइनस एक्स प्लस 2 और प्लस सी 2 और प्लस 3 बाई 2 आई 2, तो 3 बाई 2 और आई 2 को आप लोग ब्रैकेट में रखोगे, ठीक है क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया मैंने, मैंने यहाँ पर गलती कर दी बच्चों, देखो इसको हटा रहा हूँ मैं, आई इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, यहाँ आई 1 रखना था, मैंने आई 2 रख दिया था गलती से, आई 1 वो रहा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई की पार माइनस 2x प्लस 3 इंटू ई की पार माइनस एक्स और प्लस 2 मॉड क्लोज और प्लस सी 1 फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/2 इंटू आई 2, आई 2 कितना आया आपका, आई 2 आया आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई की पार माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पार माइनस एक्स प्लस 2 और प्लस सी 2, ठीक है ये आ गया आपका करेक्ट। चलो अब ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू, देखो माइनस हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे लॉग में, तो माइनस हाफ इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई की पावर माइनस एक्स प्लस सॉरी ई की पावर माइनस 2x प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 और प्लस माइनस 1 अपॉन 2 इंटू सी 1 माइनस सी 1 बाई 2 और प्लस 3 बाई 2 इंटू
लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस टू और प्लस 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 थ्री सी टू बाय टू। अब थ्री सी टू बाय टू और माइनस सी वन बाय टू, ये सी बना देंगे तो सी इज इक्वल टू व्हाट, थ्री सी टू बाय टू माइनस सी वन बाय टू। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ सिंपली हम एक सी लिख देते हैं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, यही आ रहा था, चेक कर लीजिए। माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस टू प्लस थ्री बाय टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस टू प्लस सी।